नेशनल हाईवे पर बने होटलों पर चला पीलापन। जिला योजनाकार के द्वारा गिराए गए अवैध निर्माण और कुछ लोगों को दी गई चेतावनी। जी हां, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के नेशनल हाईवे के पास बने हुए ढाबे और होटलों पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जिला योजनाकार की टीम पूरे अमले के साथ अवैध निर्माण को गिराने पहुंची। आनंद फानंद में ढाबा संचालकों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, पर टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस पूरी टीम की अगुवाई कर रहे जिला योजनाकार सतीश पुनिया ने बताया कि वह पहले भी इन लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि जिसने भी अवैध निर्माण किए हुए हैं वह खुद हटा ले, वरना उसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ढाबा संचालक और होटल मालिक विभिन्न लोगों को फ़ोन करते हुए नजर आए। विभाग के द्वारा अपनी कार्रवाई जारी रही और साथ ही जिला योजनाकार ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाहबाद से माया राम की रिपोर्ट। ढाबे बनाए गए हैं जीटी रोड के ऊपर जी, जिसमें ट्रक वगैरह एकदम से मुड़ जाते हैं और लोगों को परेशानियां होती हैं जी, जिस कारण यहाँ पे मिस हैपनिंग होने का डर रहता है। तो सरकार ने ये कहा है कि ये ढाबे जो हैं इनको रेगुलराइज कराएं, अपनी CLU लेकर के निर्माण करें, जिस विभागीय नियम हैं उनके अनुसार बनाएं, क्योंकि विभागीय नियमों की जहाँ अवहेलना होगी वहाँ कुछ ना कुछ हादसा होने का अंदेशा रहता है। इनको सबसे पहले हमने शोकाज नोटिस वगैरह दिए सबको, नोटिस दे करके इनको बुलाया भी गया कि आप लोग CLU अप्लाई करें, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए। अब ये जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं JCB लेकर के, तो ये कहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए। तो हमने यहाँ जो कार्रवाई की है इनको जो भी है नोटिस वगैरह दे करके पूरी की है, और उसके बाद इनको सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द अप्लाई करें। और जहाँ तक कार्रवाई का संबंध है, कार्रवाई इस तरह से निरंतर जारी रहेगी। लोगों को आह्वान करते हैं, जो भी आस पड़ोस के जो GT रोड पर जिनके वो खेत पड़ते हैं, जहाँ ढाबा स्थापित करना चाहते हैं, वो विभागीय नियमों की पालना करते हुए बनाएं। अदरवाइज जो है इस तरह से कार्रवाई जो है उससे उनकी जान माल की हानि होती है। कितने ढाबे हैं सर टोटल आपके? आज के ढाबे हमने 3 ढाबों पे कार्रवाई की है, जो कि इधर शाहबाद से लेकर के और अम्बाड़ा के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर तक हमने कार्रवाई कर ली एक साइड में, और आगे जो कार्रवाई करेंगे वो हम शाहबाद से दूसरी साइड में उस तरफ कुरुक्षेत्र की साइड में है, वो भी कार्रवाई हम जल्द करने वाले हैं। सर कुछ लोगों का कहना है, ढाबों वालों का कहना है कि हमें इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया था, तो क्या सर क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये गलत कह रहे हैं, सब कुछ गलत कह रहे हैं। सबको नोटिस दिया गया, सबको बुलाया गया, सबकी मीटिंग की गई, सबको बुला करके समझाया गया कि सरकार जो है तुम्हारे लिए बहुत ही लिबरल काम कर रही है। जहाँ तक CLU का प्रश्न है, CLU के लिए भी सरकार ने बड़ा ही साफ मन दिखाया है, और उसमें जो है उनको बड़ा ही रिलैक्सेशन के साथ CLU देने का प्रावधान लागू किया है। तो इसमें जो है जल्द ही लोग अप्लाई करेंगे, उनकी हम कागजातों की स्क्रूटनी कर करके विभागीय अध्यक्षों को भेजेंगे, जिससे इसमें जो भी कोई छोटी मोटी इनकी कमियां होगी उनको भी हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? और पुनिया, DTP कुरुक्षेत्र। थैंक यू।